यही जगह था जो पूरा फायर लग चुका है यहाँ पे, और ऐसा हाल हो चुका है मैंने देखो। और वहाँ पे एक सिलेंडर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो सिलेंडर भी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो बहुत दिनों बाद हम कर रहे हैं व्लॉगिंग, और मतलब कि बहुत दिन, मतलब बहुत महीने हो चुके हैं, लगभग 3 से 4 महीना हो चुका है मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। और आज जो व्लॉग करने का रीजन है ना, वो कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसके कारण सोचा कि भाई आज कुछ व्लॉग कर ही लेते हैं। तो मैं और मरन अभी फिर जा रहे हैं जोरावट। मरन से हाय। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल डी व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद ये डायलॉग मार रहा हूं मैं। और अभी जब हम घर से निकल रहे थे भाई, आपने देखा हमारा गोकू को, जो कि वो पार्किंग में पड़ा हुआ है और पूरा धूल ही धूल हो रखा है क्योंकि भाई घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जोरावट। अब यहाँ से कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। मैं फोन करता हूँ। मैं कहाँ पे है तू? A few moments later. अभी इधर में रह रहा है क्या फिलहाल? अभी तो मतलब कि फिलहाल रेंट में लिया है, स्टेशन में एफआईआर किया है क्योंकि अभी वहाँ से रिपोर्ट आएगा आज। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएगा, थोड़ा भागदौड़ होगा, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएगा, एफआईआर कॉपी के बेसिस पे मिल जाएगा सब डॉक्यूमेंट्स। ओके गाइस, तो अभी मैं आया हूँ जोरावट में, और जैसे कि आप लोगों ने देखा गाड़ी वाड़ी रख के हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मनन और मैं हूँ, और प्लस रोनी भी आ गया यहाँ पे। तो ही इज़ द पर्सन मैन जिसका जो है ना, हम लोग जो मैं जो बात कर रहा था कि कुछ बोलना है कहकर, तो एक्चुअली क्या हो गया, कुछ दिन पहले जो है ना आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, तो मैं यहाँ पे साइड में डाल दूंगा, तो न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जोरावट में जो है ना एक मतलब फायर लगा हुआ था। तो यही सीन था मैन, यही जगह था जो पूरा फायर लग चुका है यहाँ पे, और ऐसा हाल हो चुका है मैन देखो। और वहाँ पे एक सिलेंडर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो सिलेंडर भी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो इसके रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह है ना, काफ़ी स्प्रेड हो चुका है एंड हर जगह पे आपने देखा ही होगा। तो मैंने कहा कि भाई एक बार हम भी आके देखते हैं, और कुछ हेल्प हो सका तो हम करते हैं। तो वही कुछ सीन मतलब देखने के लिए आया हूँ बेसिकली, और कैसे क्या हुआ वो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। लेट्स सी, ये चारों आपका साइड का था, सिलेंडर ब्लास्ट मम्मी ने मेरे को हाथ में ऐसा स्लीवलेस पहन के खींच के बोला कि अभी कुछ भी नहीं बचा पाएगा, अगर जैसे कि अगर आग पूरा हो गया तो तू फंस जाएगा, खींच के लेके गया। उसका 2-3 सेकंड के बाद में तो पूरा आग और क्या है गाइस, रोनी जो है ना वो आर्ट वर्क बहुत करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है ना, ये मैं बिगिनर्स था तब मैं ये सब करता था। अच्छा, तो ये सब आर्ट करके रखा हुआ था। तो ये जितना भी चीज़ था ना गाइस, सब जल चुका है। तो वही कुछ सीन है मैन, ये सब घर का सामान। अच्छा, ये सब शोकेस वगैरह, पीसीबी गया, पीसीबी गया, हार्ड डिस्क में कुछ डॉक्यूमेंट्स, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, सब कुछ जल गया, सब कुछ। एंड ये सब और भी बहुत सारा बात हम लोग रोज करते हैं, पर सीन क्या था ना गाइस, वो आर्टवर्क वो करके रखा था मैंने, शायद से इंस्टा में डाला भी था, तो साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला इसने ड्रॉइंग किया था एंड आर्ट किया था एक्चुअली। तो वो चीज़ भी मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग बना के मतलब आऊँगा, और थोड़ा हम लोग ब्लॉग वगैरह कंटेंट शूट करेंगे, वो सब प्लान था, पर पोस्टपोन होते होते ऑलमोस्ट 2 साल हो गया आई गेस, राइट? 21 में बनाया था, 22, 23 हो चुका 2 साल। तो वही कुछ सीन है मैन, बाकी चलते हैं और थोड़ा मतलब क्या कैसे हुआ, क्या हुआ थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में, और जितना हो सके हम लोग से कुछ हेल्प अगर हम कर सकते हैं रोनी को तो वो भी हम करेंगे, समझ रहे? लेट्स गो। तो वही कुछ सीन है मैन, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस गड्डिया में, और जगह को हम लोग ने देख लिया ऑलरेडी। तो थोड़ा सा सीन जो है ना, रोनी बताएगा कि मतलब कैसे कहाँ क्या हुआ, तो उसी बेसिस में चल रोनी तो थोड़ा बता दे। एक्चुअली ये जो घटना हुआ था,
ये उस दिन दिवाली का दिन था, 12th of November. 12 को अराउंड 10:30 बजे उठा. उठने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि 11:30 ट्यूशन पढ़ा रहा था, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुला लिया था. फिर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर अराउंड 12 to 12:30 में मतलब कि मेरा मम्मी बाथरूम से निकल के आया. फिर बाप ने बोला मतलब कि हम लोग का बाथरूम बाहर रहते, मम्मी बाहर आके बोल रहा है कि मतलब मेरे को बुला रहा था कि रोनी देख बाहर में से आंटी का घर से आग निकल रहे. अच्छा कि क्या हुआ अंदर में कैसे आग लगा हुआ. फिर मैं बाहर निकल के आया, फिर आग देखते देखते मतलब कि विद इन ए मिनट जैसे कि पेपर में आग लगते है इतना मतलब कि ड्राई हो गया था वुड. उठ का घर था हम लोग का. तो फिर आग ऐसे लग मतलब कि फैल गया, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं सोचा, मतलब कि मैं सिर्फ डायरेक्ट 100 में 100 में फोन लगाया, फायर ब्रिगेड में फोन लगाया, पुलिस स्टेशन में फोन लगा रहा था. और इधर मैं अपना स्टूडेंट्स लोग को, वो लोग छोटा छोटा था, अराउंड क्लास 1 और 2 का था, और वो लोग भी डर गया था, इतना डर गया था कि वो लोग खड़े खड़े वहाँ पे रोने लग गया था. अच्छा। तो उन लोग को मैं ऐसा हाथ से उठा के फिर ये गेट तक लेके आया. हम लोग का जो मेन गेट है हम लोग घर का, वो मतलब कि मैं अंदर भी घुसा और आग मतलब कि गेट में लग गया था. मेन चीज क्या होने गई, जितना भी सामान था सब आसमान के चलो, वो गंजी पहन के बैठा हुआ था और हाथ में फोन था. आजकल तो फोन सबके हाथ में रहता ही है, पहले तो उसके खाली मतलब गंजी और वो फोन ही एक जो है उसका हाथ में रहा, और बाकी जितना भी जो है ना डॉक्यूमेंट्स हो गया, जितना भी पढ़ाई किया इसने, जितना भी आर्ट वर्क किया और इसने कुछ वॉल रिकॉर्ड भी बनाया था, जल गया. तो अभी पुलिस रिपोर्ट वगैरह कुछ कुछ किया है, तो अभी वही सीन है, रोनी का घर ड्रॉप करेंगे एंड बाकी की कहानी हम आपको बताएंगे हमारी जुबानी, समझ रहे. ओके गाइस, तो वही कुछ सीन था. और अभी जो है ना हम निकल रहे हैं नए गाड़ी के नए नंबर प्लेट लगाने के लिए. 50 रुपये 100 रुपये करके भी गूगल पे किया ना तो उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, समझ रहे हो. और अभी जो वो जो रह रहा है ना वो फिलहाल अभी रेंट पे रह रहा है कहीं पे, तो कैश वैश जितना भी था घर पे सब डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स कपड़ा वगैरह सब जल चुका है. तो मैं जो है ना नंबर और गूगल पे का स्कैनर जो है ना उसी का, मेरा नहीं, मैं ये सब मतलब बीच में मिडिल मैन होना नहीं चाहता हूँ कि पहले मेरे को भेजो फिर मैं उसको जाके दूंगा, ये सब सिस्टम नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी बनना नहीं है मेरे को. और तो उसको डायरेक्ट आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो. अगर 50 रुपये या 100 रुपये भी आप लोगों ने किया ना तो 1500 लोगों ने 100 रुपये भी दिया, वेरी बिग अमाउंट फॉर हिम इस टाइम पे जब आपका कैश वैश सब जल चुका है, सब डॉक्यूमेंट जल चुका है, सब कपड़ा जल चुका है, तो इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल, समझ रहे हो. ओके गाइस, तो अभी नंबर प्लेट वगैरह लगा के जो है टाइम लैप्स ले लेके हम पहुँच चुके हैं वापस घर. और अभी जो है 12:31 हो चुका है. तो मैं क्या करती रही गाइस, अगर हम लोग जो है 1500 व्यूज भी आ गया और अगर 1500 लोगों ने 10-10 रुपये करके भी डोनेट किया ना तो 15,000 रुपये हो जाएगा, और दैट अमाउंट विल बी लाइक वेरी बिग अमाउंट फॉर हिम. तो सबसे पहला डोनेशन जो है मैं करना चाहूँगा ताकि लोग मुझे ऐसा ना कहें कि भाई तुम ज्ञान दे रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि डोनेट करो और तुम खुद ही नहीं कर रहे हो. तो इसके कारण हमने सोचा भाई हम भी अपने हिसाब से जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, खोलेंगे पेटीएम, और अगर आप गूगल पे फोन पे यूज़ करते हो तो वो सब खोलना है. और खोल के जो मैंने स्कैनर यहाँ पे रेडी करके रखा है तो स्कैन करना है इसको और देख लेना ऊपर में जो है ना गाइस रोनी भौमिक खोल के नाम आएगा, तो उसी का अगर है तो ही मतलब करना. तो मेरे हिसाब से मेरे पास अभी फिलहाल करेंट सिचुएशन के हिसाब से मैं 300 डोनेट कर सकता हूँ, तो मैं 300 करूँगा. और ये जो है अमाउंट जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे. तो वही कुछ सीन है, मैंने किया 300, तो आपके हिसाब से आप जितना सकोगे उतना आप करो. तो वही कुछ सीन है मैन, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है. लेट्स सी अभी जो भी कहना है लाइफ के बारे में, वो इतने दिनों से मैं क्या कर रहा था क्या नहीं था वो अगले ब्लॉग में हम अच्छे से बताएंगे आपको और लाइफ का थोड़ा बहुत अपडेट देंगे. तो वही कुछ सीन है मैन, तो आज के ब्लॉग में बस इतने रखते गए. आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का. और प्लीज़ 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 गाइस, अकाउंट डिटेल्स और स्कैनर का फोटो जो मैं स्कैनर का फोटो यहीं पर दे रहा हूँ, और अकाउंट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. तो अगर आप लोगों के पास गूगल पे वगैरह नहीं है तो अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो. और ऐसा मत करना कि अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी ऑन द स्पॉट करो, ऐसा मत सोचो कि अभी घर में जाके करूँगा ये करूँगा, तो बाद में क्या होता है ना वो भूल जाते हैं. अगर मान के चलो सपोज तुम्हारा मन है 50 रुपीज़ डोनेट करने का, तो 5 लोगों ने अगर 50-50 सोचा है बाद में करूँगा कहकर भूल जाते तो 250 रुपये का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो. तो दैट्स द रीज़न, अगर आप लोग कुछ कुछ अमाउंट भी अगर आप देते हो तो क्या होगा ना कि उसके पास कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं, सब जल गया, तो वो सब खरीद पाएगा, घर का सामान वामान खरीद पाएगा, एक्चुअली घर का जितने भी सामान है ना सब जल चुका है, समझ रहे हो. तो वही एक रीज़न है कि भाई मैंने सोचा अगर ब्लॉग बना के 1500 व्यूज आ गया और उसमें से कुछ अमाउंट कलेक्ट हो गया तो इट विल बी लाइक नाइस टू हिम, तो उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा. तो इसके लिए मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं. प्लीज़ डोनेट वट एवर अमाउंट यू कैन एंड या वही कुछ सीन है मैन. चलो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय.
हूँ।